व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो गाइस आज मैं सिखाने वाला हूँ कैसे अपने फोटो में रेड एंड पिंक कलर का जो कॉम्बिनेशन जो एडिटिंग है वो आपको सिखाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना। तो गाइस सबसे पहले इस फोटो को हम लाइट रूम में शेयर कर लेते हैं। तो गाइस देख सकते हो हमारा फोटो लाइट रूम में ऐड हो चुका है। तो सबसे पहले हम जो करेंगे इस कलर टूल पर आएंगे और जो हमारा मिक्स टूल है मिक्स टूल पर आएंगे एंड ऑरेंज को सिलेक्ट करेंगे और सिचुएशन को कम कर देंगे क्योंकि हमारा जो मॉडल का जो फेस है वो बहुत ही रेड टोन आ रहा था। तो गाइस देख सकते हो कि हमारा जो मॉडल का जो फेस है वो थोड़ा डार्क टोन है। तो इसके लिए हम जो करेंगे हमारा जो लुमियंस है लुमियंस को हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे करीब 40 के आसपास। तो गाइस इससे हमारा जो मॉडल का जो फेस है वो थोड़ा ब्राइट हो जाएगा और इसके बाद हम फिर से रेड टोन पर आएंगे और जो हमारा सिचुएशन है थोड़ा ही कम कर देंगे और लुमियंस को बढ़ाएंगे करीब इतना। और इसके बाद हम जो करेंगे हमारा जो येलो है येलो को हम यू कम कर देंगे, ग्रीन का भी सेम और जो हमारा ब्लू है ब्लू को भी हम सेम कर देंगे। तो गाइस मैं एक बात सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि मेरा फ़ोटो में जो भी मैं परसेंटेज रख रहा हूँ ऐसा ही आपको भी नहीं रखना है, आपका फ़ोटो को मुताबिक से रखना है क्योंकि सब फ़ोटो एक जैसा नहीं होता है। तो प्रोसेस सेम है लेकिन एडजस्ट सेम नहीं होता है। तो अपने फ़ोटो के मुताबिक से फ़ोटो को एडजस्ट कर लेना। तो गाइस इसके बाद हम डन कर देंगे सिंपली और हमारा जो यहाँ पर जो प्रोफाइल टूल है यहाँ पर हम टैप कर देंगे और इसके बाद हम यहाँ से स्क्रॉल करेंगे करते करते। तो इसके बाद हम यहाँ पर से स्क्रॉल करेंगे और जो हमारा आर्टिस्टिक 3 है इसको हम टैप कर देंगे। टैप करने के बाद इसका सिचुएशन फुल कर देंगे, इसके बाद डन। तो गाइस इसके बाद देख सकते हो कि हमारा फेस में भी रेड टोन आ चुका है। तो इसको हटाने के लिए हम फिर से कलर टूल पर आएंगे और मिक्स में जाके हमारा जो ऑरेंज था उसका सिचुएशन फिर से कम कर देंगे करीब इतना और लुमिनेंस को बढ़ा देंगे। इसके बाद जो हमारा रेड था उसको भी लुमिनेंस बढ़ाएंगे तो थोड़ा कम कर देंगे, कम हो गया, हाँ हो गया। इसके बाद हमारा जो ब्लू कलर था उसका सिचुएशन बढ़ाएंगे करीब इतना और जो ग्रीन था उसको भी सिचुएशन बढ़ाएंगे इतना और लुमियंस को कम कर देंगे और जो ऑरेंज येलो था उसका भी सिचुएशन थोड़ा बढ़ाएंगे और सॉरी दोस्तों गलत हो गया, लुमियंस को बढ़ाएंगे और सिचुएशन को बढ़ाएंगे, इसको डन। तो गाइस इसके बाद हमारा जो टेम्परेचर है टेम्परेचर को हम कूल टाइप से रखने वाले हैं। तो इसके लिए हम जो करेंगे टेम्परेचर को थोड़ा कम कर देंगे इतना और टिन को भी कम कर देंगे करीब 10 के आसपास रखते हैं। तो इसके बाद हमारा जो वाइब्रेंस है उसका थोड़ा इंक्रीज कर देंगे और जो हमारा सिचुएशन है उसका हम थोड़ा डिक्रीज कर देंगे एंड यहाँ पर से हम आएंगे बिगिनिटी टूल पर आके थोड़ा बिगिनिटी दे देंगे। तो इसके बाद हम जो करेंगे इस सन वाला आइकन पर आएंगे और यहाँ पर इस फोटो को फिर से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे ताकि अट्रैक्टिव लगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो करेंगे एक्सपोजर को थोड़ा बढ़ाएंगे करीब 10 और कंट्रास्ट को थोड़ा ही देंगे 12 के आसपास और हाईलाइट को थोड़ा कम, शेडो को बढ़ाएंगे करीब 14 और जो व्हाइट है व्हाइट को भी बढ़ाएंगे करीब 18 और ब्लैक को कम इतना रख देंगे। तो इसके बाद हम आएंगे शार्प टूल पर आ चुके हैं। तो इसके बाद हम जो करेंगे शार्प करेंगे करीब 40 के आसपास और नॉइस रिडक्शन भी दे देंगे ताकि हमारा फोटो में कोई नॉइज़ ना रहे। इसके बाद हम आएंगे कलर नॉइस पर और कलर नॉइस को भी करीब इतना ही दे देंगे। बूम गाइस, तो देख सकते हो पहले कैसा था और अब कैसा है। अगर ये हमारा जो पिंक एंड रेड का कॉम्बिनेशन एडिटिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और एक बात मैं जो बताना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो का जो अपलोड डेट है वो है
संडे एंड वेडनेसडे और बीस बीस में भी आता रहेगा वीडियो। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने भाई को भी आगे जाने का मौका दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेटवर्क के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय। See the horizon turn.